हेलो प्रियजनों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है नवरात्रों का पहला दिन और आज श्रुति ने लगाई है घर में अखंड ज्योत और इस वजह से श्रुति आज रहेगी घर पे अकेली और मैं जाऊंगा बाहर जिम करने। क्यों, क्या हुआ है? और श्रुति का फास्ट है गाइस, ठीक है? श्रुति का फास्ट है, हाँ श्रुति का फास्ट है गाइस, श्रुति का फास्ट है, हाँ श्रुति का फास्ट है। जाओ अंदर माता रानी तो दिखा के लाओ। हमारी प्यारी सी माता रानी और ये है हमारी अखंड ज्योत और ये है हमारे जोत। लगेगा टाइम ऊपर आने में और मेरा फास्ट है बट मुझे जिम जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं अगर अपनी दिल की बात बताऊँ, मुझे लग रहा है चिप्स लगाया बट मुझे जिम जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट मेरे जो पति हैं उनको ज़रूर मुझे जिम ले जाने से थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा फेस खराब हो गया है, मेरा फास्ट है, मैं किसी के साथ जाती हूँ अच्छी नहीं लगती हूँ। तो अब दो तीन दिन से कुछ लोग अकेले जिम जाने लग गए हैं तो ठीक है, ये भी एक समय है, कट जाएगा। मेरा आएगा, मैं बताऊंगी। मेरा भी आएगा कभी, मैं भी अकेले जिम जाऊंगी। हालांकि ना हो ऐसा, मैं नहीं चाहती कभी आए। सॉरी ऑलिव, कैन यू हियर समथिंग? नो, मना कर दिया ऑलिव, कुट डाल लो जाके। वन मोर थिंग प्रियजनों, मेरे प्यारे प्रियजनों, मेरे जो पति हैं, ये ऐसे धोते हैं मेरी बीवी, देखो प्रोटीन का डिब्बा ऐसे धोते हैं, इसके अंदर प्रोटीन लगा हुआ है। अब क्या देख रही है? नहीं, अब क्या हुआ? बोलना, मेरे जो पति हैं वो छोले भटूरे खाकर जिम जा रहे हैं और फिर वो मुझे कह रहे हैं कि तूने तो फास्ट रखा है मेरी प्रिय धर्मपत्नी, तो तुझे तो जिम की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो मैंने आपसे बोला कि आप मेरे लिए बनाओ, नहीं बनवाए ना मैंने आपसे। मैंने कहा था कि आप फास्ट है तो आज कुछ बनाना ही था घर में, तो मेरे पति ने छोले भटूरे खाए। हाँ तो खाएगा, पति तो कुछ भी खाएगा। मेरे पति अकेले जिम भी जा रहे हैं। हमारे जिम में बहुत सुंदर सुंदर लोग भी आते हैं, पता है? कुछ भी बोल, ऐसा तो तेरा पति 9 महीने गायब भी रहेगा। अब बोल, अब बोल, आप मत हो जाना 9 महीने के लिए घायल, फिर मैं ट्रिप प्लान करके चल जाऊंगी। बता दिया, जाने दो, जिनके बच्चे जा रहे हैं वैसे हम बांध के तो रख नहीं सकते ना पल्लू से। सॉरी, इट्स ओके। तो अभी मैं देख रही हूँ कोई सीरीज और इसके बाद मैं देखने वाली हूँ प्राइम वीडियो पे कुछ। मैंने इसे एक्सेस ले लिया है, इसके फोन में था तो मैंने तो अपना टाइम पास करने का जुगाड़ बना लिया है गाइस। पता नहीं मुझे अंदर से एक्सेंट आ रहा है कि मैं ऐसे बोलूं, है ना ओलिव? ओलिव इसकी राह देख रही है कि इसको पेटा खाने को मिलेगा, बट ओलिव पहले भोग लगेगा फिर आपको मिलेगा, वो भी थोड़ा सा नो मीठा। क्या, आता हूँ थोड़ी देर में, बाय। क्या है यार, कैसे मासूम है, जा रहा हूँ, ठीक है, आता हूँ आता हूँ आता हूँ, जाना पड़ता है आदमी को। हाँ हाँ, लगी हुई है चोट, ठीक हो जाएगी। तो जाऊँगा यार, क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ना, पता नहीं। ऐसे यार ऐसे मत करो, जाते हुए ना मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है, ये देखो मस्त मजबूर आदमी। हाँ ये लो, ये लो मेरी ढुमकी ले लो। ओके बाय। अकेले अच्छे से वर्कआउट करना। हाँ, अकेले किसने बोला? बारी स्क्वाट्स मारना, हाँ वही करूंगा। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, आ रहा हूँ आधे एक घंटे में, ठीक है, वर्कआउट करके थोड़ा बहुत। चलो नवरात्रों की बात कर सकते हैं, ये सब इसलिए इसने बोला इलीगल है, बाद में अकेले नहीं छोड़ूंगी। चलो मिलता हूँ थोड़ी देर, जिम करके आता हूँ। तुषार जिम से आ गया और कैसे रो रहा है, देखो आंखों में कितने आंसू हैं, क्योंकि वहाँ जो हमारी ललिया खड़ी है वो वैसे तो आज सुबह आने वाले थे जैसे हमने कल आपको व्लॉग में बताया था, बट वो जस्ट अभी ऑलमोस्ट आने वाले हैं और तुषार जब से आधे घंटे से ऐसे बेचारा बेचैन हो रहा है और रो ही जा रहे हैं। अरे मत दो ना, फिर रख लेते हैं, मत दो ना। कल मुझे समझा रहा था एक जा रही है, दूसरा ऑटो आ भी तो रहा है, मुझे समझा रहा था कल ऐसे। ओ उसको कोई मतलब नहीं है, सो रही है, मत दो ना। चलो रख लेते हैं, छोड़ो, कैंसिल, ठीक है, ठीक है, कैंसिल है भाई, नहीं अब नहीं जा रही, अब नहीं जा रही भाई, कैंसिल है। सो गाइज, आज फाइनली मेरी गाड़ी जा रही है। आप इतने दिनों से देख रहे होगे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आज जाएगी, आज जाएगी, और आज फाइनली जा रही है। दिल से बहुत बुरा लग रहा है,
बस मैं आप, मेरे को ही पता मैं कैसे अपने आप को रोक रहा हूँ रोने से, वरना मुझे बहुत रोना आ रहा है। ये हरकतें कर रही है इसको, इसको भाई लड़कियों को फीलिंग नहीं समझ आती, लड़कों को कितना अटैचमेंट होती है अपनी व्हीकल से, अपनी गाड़ियों से, उनको बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है इस चीज़ों का, जब आती है तो भी और जाती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है दिल में। आप नहीं समझ पाओगे, आप लड़की हो ना, कुछ भी मत बोलो ठीक है, आप गर्ल हो, जितना आपका ना उससे 1% कम होगा शायद, बट मुझे भी उतना ही है ठीक है, आप वुमेन हो। तो अब इस वुमेन के साथ मैं अंदर पूजा करने जा रहा हूँ, तो आपको माता रानी के दर्शन करा देता हूँ आज। पहले ये देखो, ये आज का दरबार है और ये रही माता रानी। तो पहले इनकी ब्लेसिंग्स ले लेते हैं हम सब, और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिख देना। तो पहले लेते हैं ब्लेसिंग्स और उसके बाद हम देखेंगे जो आएगा भी लेने। गाड़ी में किसी को नॉन में ही बेच रहा हूँ, बट ठीक है, बट दर्द तो हो ही रहा है, रहेगी मेरे आसपास ही, बट मैंने आज तक अपनी गाड़ी किसी को चलाने नहीं दी, तो इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस है कि मतलब मैं अपनी गाड़ी अपने दिल से बहुत ज़्यादा दूर कर रहा हूँ। होप सो कुछ अच्छा ही आएगा, अच्छा ऑटो पे नंबर मिल जाए, छुट्टी ऑटो चलाएगी, अब हम बेरोजगार नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे प्रोफेशन को भी भाई कई लोग नहीं समझते, कभी कभी घर वाले भी नहीं समझते, और आप लोग भी कभी कभी कमेंट करते हो कि भाई इसके अलावा करते क्या हो, ये भी एक प्रोफेशन है, बट ठीक है थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल नहीं है, लोगों को नहीं समझ आता, ये हम समझा भी नहीं सकते। बाकी हम, मैं लॉयर भी हूँ, बाकी चीज़ें भी करता हूँ, श्रुति हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ बनना भी एक जॉब है ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं भाई, हर चीज़ें बताई नहीं जाती। मैं लॉ भी करता हूँ, 30,000 में चैम्बर है मेरे दोस्त का, उसके साथ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो वो चीज़ें मैं नहीं दिखा सकता, दैट इज़ वेरी लीगल टर्म्स, तो वो चीज़ें तो मैं आपको शो यहाँ नहीं कर सकता, वो करता हूँ मैं, तो ठीक है। बाकी आप दर्शन करो और कमेंट सेक्शन में लिखना जय माता दी और जय गुरु जी। आर यू रेडी माता जी रॉक्स। श्रुति आरती कैसे करेगी, देखो आजकल की मॉडर्न बहू है, नीचे टॉप ऊपर चुन्नी, बस ठीक है, जय भी है, कर तो रही है। घर में एक छोटी सी बच्ची आई है, और ये क्या खा रही हो आप, क्या खा रही हो, आइसक्रीम, कौन लाया आपके लिए आइसक्रीम, गंदे हो गए, साफ कर लो, कैसे करोगे साहब, इससे करो टिश्यू से, कौन लाया आपके लिए आइसक्रीम, जल्दी बताओ ऊपर देख के कौन लाया आइसक्रीम, कौन लाया, मामू लाया, मामू को बोल दो थैंक यू मामू, क्यूट। रोटी बना रही है मेज पे, अबे पैर से क्यों बना रही, तेरे होटल में कौन आएगा, पैर से कौन बनाता है रोटी बेवकूफ, हाथ से बनाते है रोटी, और तुझे कौन सी मजबूरी आ गई अभी रोटी बनाने शुरू कर दी तूने, रोटी तो पकाने दो, बट ऐसे कौन पकाता रोटी, मामी से सीख ले, मामी पकाती है बढ़िया रोटी, देख मामी बिजनेस वूमेन काम कर रही है, देख नौटंकी नौटंकी ऐसे डाकर बढ़िया लगती है, मजाक चल रहा है मेरी गई है, तू क्यों रो रही है भाई, तू क्यों रो रही है, गाड़ी तो मेरी गई है ना, वो गई है तो कुछ अच्छा ही आएगा, चलो चलो अंदर, गेट पे खड़ी हुई है, चलो भाई चलो, ये लो ये पकड़ो आप, लो इससे आपको खुशी मिल जाएगी, लो लो रो थोड़ी, मेरी गाड़ी जा चुकी है और हमें मायूसी के बादल उन्होंने घेर लिया है, बट नहीं कुछ नहीं सुबह आएगी, कभी कभी नॉन लिविंग थिंग से भी बहुत लगाव हो जाता है, वो हमें है तो देखो ये सब मोह माया, बट ठीक है, पहली थी हमारी जो जिसमें हम दोनों इकट्ठे चलाया था, रखा था पाल पोस के, अब एक बच्चा और लेंगे हमको तो, और हाँ एक गुड न्यूज और ये है, एक तो हम बच्चा गोद लेंगे, दूसरी गुड न्यूज ये है, जो इतने टाइम से हमने मीटअप रोक रखा था, वो मीटअप उस नए बच्चे के साथ होगा, तो मतलब ये आप लोगों की ब्लेसिंग से ही आ रहा है नया बच्चा, क्या बोली जा रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा इसकी बात, अरे इन शॉर्ट जो हमें मीटअप करना था, जो हमारा पोस्टपोन हो गया था, वो हम करेंगे उसके साथ करेंगे, समझे। चलो गाइज मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बिकॉज आज तो बहुत ज्यादा डाउन हो गया हूँ मैं ये सब चीजें करने के बाद, बट कोई नहीं, अच्छी चीज आने वाली है, इसलिए थोड़ा सा करना पड़ता है, वो होता है ना तूफान से पहले की शांति, तो तूफान आने वाला है गाइस, सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय, लव यू, टेक केयर, जय गुरुजी, बाय प्रियजनों।